हरियाणा सरकार ने मेरे साथी मंत्री शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी, हमारे सरकार में पूर्व मंत्री श्री मनीष ग्रोवर जी, रोहतक नगर के हमारे मेयर श्री मनमोहन गोयल जी, श्री जिला अध्यक्ष श्री अजय बंसल जी, एसीएस स्कूल एजुकेशन श्री महावीर सिंह जी, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन श्री जे गणेशन जी, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन श्री अंश सिंह जी, वाइस चांसलर एमडीयू डॉक्टर राजवीर सिंह जी, उपस्थित सभी आज बड़ी संख्या में यहां छात्र छात्राएं जो उपस्थित हैं, उनके अभिभावकगण, अध्यापकगण, अन्य अधिकारीगण, उपस्थित सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकला मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जो होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के इस सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है, ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोई एक समय था जब हम बचपन में पढ़ते थे, स्कूल में जाने के लिए पुस्तकों के साथ एक आइटम जो और जुड़ी होती थी उसका नाम था तख्ती। हमने तख्ती पर लिखा, उसको बार बार पोचा, फिर उस पर लिखा, पोचा, लिखा, वही हमारे लिए एक कंप्यूटर होता था। आज उस तख्ती की जगह इस कंप्यूटर ने, टेबलेट ने ले ली है। अब इस टेबलेट पर ही हम सब अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे, मिटाएंगे, अभ्यास करेंगे। ये पुराने समय की तख्ती, आज का कंप्यूटर। वो एक समय था जिस समय पुस्तकें ये भी प्रत्यक्ष लानी पड़ती थी। आज पुस्तकों का जो बस्ता है उस बस्ते को लाने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सब पुस्तकें ई बुक्स के नाते से हमारी टेबलेट में आ जाएंगी। तो युग का परिवर्तन कितनी, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस प्रकार का युग का परिवर्तन होगा। क्रांतियां कब आती हैं? कई बार क्रांतियों में जब टकराव होता तो युद्ध भी बन जाते हैं। हमने देखा महाभारत का युद्ध। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया। गीता एक सिद्धांत के रूप में एक ऐसी पुस्तिका बन गई कि जो एटर्नल, जिसको हम कह सकते हैं पूरे विश्व के मानव समाज के काम आने वाला एक ग्रंथ, वो एक गीता है, उसका सम्मान है। युद्ध में से गीता निकली। ऐसा ही एक युद्ध पिछले 3 साल में हुआ, और वो युद्ध क्या था? वो था कोविड की महामारी का युद्ध। ये भी बहुत बड़ा संघर्ष था, और इसमें से निकल करके आया डिजिटलाइजेशन। डिजिटल जो एक फैक्टर है वो बढ़ना शुरू हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने इस डिजिटल युग को किस प्रकार से वर्णन किया, उन्होंने कहा कि हम खुशकिस्मत है कि ऐसे युग में हैं जहां प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी सरल और पहुंच के अंदर है। एक बार आप इसमें दिलचस्पी लें तो पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो ये डिजिटलाइजेशन है, इसका भी मैं एक विशेष प्रकार से इसका विश्लेषण करता हूं। डिजिटल, जिसके अगर हिज्जे करें उसको अलग अलग लेटर्स में लिखें, DIGITAL, डिजिटल। और इस डिजिटल का
एक बार से डी आई इसको हटा करके शीर्ष पर रख दें ऊपर, और आखिर से जो एल है इसको भी डी आई के साथ मिला दें, तो जो बाकी बचा वो क्या बचा, जी आई टी ए, क्या बचा, क्या बचा, गीता। डिजिटल को डी आई इधर हटाए, एल इधर हटाए, दोनों को मिला दें, दोनों मिलके बन गए डी आई एल, यानी दिल। दिल में गीता, यही डिजिटल है। तो उस महाभारत में से वो गीता निकली, कोविड में से डिजिटल निकला, और डिजिटल और गीता मैंने बताया, दिल के अंदर गीता, ये डिजिटल है। तो इस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी के स्वरूप को हम आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से कोरोना के समय अनुभव आए। विद्यार्थियों के सबसे बड़ी समस्या, अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए, और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले, और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या, स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा, और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे, ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़कर के आया। और जब मोबाइल से शिक्षा प्रारंभ हुई तो बहुत कठिनाइयां उस समय आई, जो वर्णन किया हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी और हमारे एसीएस एजुकेशन ने, कि बच्चों के पास सबके पास मोबाइल थे भी नहीं, माता पिता की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि हर किसी को और उस प्रकार का मोबाइल वो लेकर के दें, तो ऐसा स्मार्ट मोबाइल का विषय का कठिनाई आई। जिनके पास मोबाइल थे भी उनकी भी जो स्क्रीन इतनी छोटी होती थी कि पढ़ने में उनको भी कठिनाई आती थी, तब इसमें से विचार हुआ कि क्या हम इंटरनेट के माध्यम से, आज डिवाइस बहुत आ गई हैं, तो टेबलेट्स की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके, और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से, यह फुल फ्लेज्ड क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर की चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर जब देखा था, मैं याद करता हूं उस समय मेरी आयु 42 साल थी, 42 इयर्स, और जब उन्हें मोबाइल देखा वो भी 44 साल की आयु थी जब उन्हें मोबाइल देखा था। मोबाइल बहुत बड़ा मोटा सा मोबाइल होता था, 250 ग्राम का, इतना बड़ा भारी होता था, और 18 रुपए की कॉल होती थी, 10 रुपए की कॉल इनकमिंग भी होती थी, फोन आ जाए तब भी 10 रुपए का मिनट कॉल लगती थी। आज कितनी विज्ञान ने तरक्की की है, तो इस विज्ञान की देन है कि हम ऐसी चीजों को बड़ी सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं। इस टेबलेट से, विज्ञान के माध्यम से जो पढ़ाई करेंगे, तुम केवल अपनी क्लासरूम तक जुड़े नहीं रहेंगे, हम इसके बाद अपने शहर से, अपने प्रदेश से, अपने देश से, न केवल देश से, दुनिया से भी जुड़ जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ घटनाएं हो रही हैं, सेकेंडों में यहां आती हैं, यहां कुछ भी अब बोला जा रहा है, सारी दुनिया में कोई भी इसको देख सकता है, सुन सकता है। विज्ञान का इतना महत्व है, और आज विज्ञान के बारे में तो विद्यार्थी, 10 साल का विद्यार्थी छठी पांचवी में पढ़ता है तो भी उसको पता है विज्ञान क्या है। मैं अपने जीवन की घटना सुनाता हूं, 1968 की बात है, मैं 9वीं में पढ़ता था, 9वीं क्लास के अंदर हमारे यहां उस समय सब्जेक्ट होते थे या तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ो और नहीं तो जनरल साइंसेस पढ़ो। हमारे एक साइंस के अध्यापक, वो नए बदल करके आए, मैं से पूछ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमने कहा भी हम तो जनरल साइंस पढ़ते हैं, कहने लगे फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते, हमने कहा अध्यापक ने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है, कहने लगे मुश्किल अध्यापक के लिए मुश्किल थोड़ी है, अध्यापक अगर पढ़ाना चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा सकता है। और वो नए अध्यापक आए तो उनका ठीक है मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री,
मैंने कहा अंतर क्या होगा? अंतर ये होगा कि जनरल साइंस में तो आप आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स पढ़ सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। तब हमको ज्ञान आया कि फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी कोई ना कोई इस प्रकार का लाभ होगा कि हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये अलग बात है वो करियर बनाते बनाते वो कुछ कारण ऐसे बन गए कि वहां उधर की बजाय इधर आके खड़े हो गए, अभी एक अलग कहानी है वो भी। लेकिन कुल मिलाकर के इस विज्ञान की देन इतनी है कि हम आगे बढ़ने के लिए आज बहुत रास्ते हमारे खुले हुए हैं। तो आज मैं ये कहूंगा कि ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है, और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। दिए कुछ प्रदेशों ने, किसी ने प्रयोग के रूप में थोड़े स्कूलों में दिए, 1 लाख दिए, 2 लाख दिए, और हमने 5 लाख की व्यवस्था की है। अगले वर्ष इसको और बढ़ा देंगे, जैसा विषय के क्या चारों कक्षाओं को देंगे तो हमने तय किया अगले वर्ष 4 कक्षाएं देंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। इस बार तो 10वीं 11वीं 12वीं है, एक और जोड़ेंगे। अभी अगर दुनिया के देशों को हम देखते हैं तो 2-3 देश ही ऐसे हैं जो इस विषय में बहुत आगे बढ़े हैं। सारी दुनिया भी आगे नहीं बढ़ पाई है विद्यार्थियों को इस प्रकार के टेबलेट सिस्टम देने के लिए। दुनिया के देशों में इजराइल, ट्यूनिशिया, फिनलैंड, ये देश ऐसे हैं, छोटे छोटे देश हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थियों को इस लेवल पर पहुंचाया है कि वहां उनके विद्यार्थी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्टार्टअप जैसी चीजें इतनी ज्यादा कर रहे हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी एप्स बनाते तरह तरह की, और उस ऐप का सामाजिक व्यवसायिक कामों में इतना ज्यादा उपयोग हो गया है कि फिनलैंड तो कहते हैं कि उन्होंने तो अपनी सारी इकोनॉमी वो इस आईटी के ऊपर डिपेंड है। हमारे यहां तो कृषि है, उद्योग है, इसके ऊपर हमारी सारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड है। कुछ देश ऐसे हैं जहां टूरिज्म इतना ज्यादा टूरिज्म के ऊपर डिपेंड है, कुछ देश ऐसे हो गए हैं जो आईटी के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। छोटे छोटे देश आईटी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये अपना सारा वो काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम नई एजुकेशन पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसको बड़ा महत्व दे रहे हैं। और बहुत छोटे लेवल से, यानी एजुकेशन जो इंफॉर्मेशन आईटी की एजुकेशन है, ये तो और छोटे लेवल की प्राइमरी स्कूल के बाद मिडिल स्कूल में भी जाते ही उस शिक्षा को हम शुरू करेंगे। तो शिक्षा को शुरू करके और आगे किस प्रकार हम नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने में, हमने तय किया है कि देश भर में नई एजुकेशन पॉलिसी जो अब घोषित हुई है, देश ने तो टारगेट रखा है 2030 तक हम इसको लागू करेंगे पूरे तौर पर। हमने हरियाणा में तय किया है कि 2030 दूर है, हम अपनी नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको 2025 तक लागू कर देंगे 3 साल के अंदर अंदर। और जिस यूनिवर्सिटी में हम खड़े हैं उसके अंदर एक और पैरामीटर दिया गया है कि केजी टू पीजी ये शिक्षा का संस्थान एक ही हो। तो मैं प्रसन्नता से व्यक्त कर रहा हूं इस बात को कि सबसे पहला हमारा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू, यहां के जो वाइस चांसलर बधाई के पात्र हैं कि इसको केजी टू पीजी इस वर्ष से शुरू कर दिया है। इसी प्रकार हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी केजी टू पीजी, दो यूनिवर्सिटी ने एक साथ शुरू किया है। आगे चल करके सभी यूनिवर्सिटीज, अब यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं होगा कि वो प्राइमरी के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, केवल पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाएंगे, केजी से शुरू करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट तक एक ही संस्थान में विद्यार्थी पढ़ेगा, उसी में से शिक्षा का मूल्यांकन होगा। तो आज शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके अनुरूप बहुत से विषय उठाए गए हैं। जहां तक बजट की बात है, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमारे महावीर सिंह जी ने बताया, आज हमारा सबसे ज्यादा बजट उस शिक्षा विभाग का है। हमारा बजट 1,70,000 करोड़ रुपए का है, लगभग शिक्षा का 20,000 करोड़ अकेले, 20,000 करोड़ रुपए अकेले शिक्षा पर हम खर्च कर रहे हैं।
और शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा स्कूल, मिडिल शिक्षा हायर यानी जो सेकेंडरी शिक्षा, हमने दो अब टास्क फोर्स बनाई है, कह दिया है बनाने के लिए, तो जल्दी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। एक तो स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल की बिल्डिंग है, स्कूल की चारदीवारी है, स्कूल का सड़क है, वहां कोई सुंदरता है, स्वच्छता है, इसके लिए एक अलग से टास्क फोर्स रहेगी। पहले स्टेट लेवल पर बनेगी, फिर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनेगी। जितने स्कूल हैं उन सब के रास्ते हैं, पानी है, शौचालय है, स्वच्छता है, ग्रीनरी है, चारदीवारी है, ये काम सबसे पहले कराए जाएंगे हर एक स्कूल का। हम मैपिंग करके सारे काम कराते हैं कि जो एक काम हाथ में पकड़ा वो सारा काम पूरा कराते हैं। हमने तालाबों का काम अपने हाथ में लिया, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 18,000 तालाब हैं हरियाणा में। इन सब 18,000 अभी 1 मई को हमने उसका यानी शुरुआत की है। एक प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है सारे देशभर में कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सब तालाबों को ठीक कराइए। हमारी योजना पहले से बनी हुई है, इसलिए हमने इस वर्ष की योजना में 1600 तालाब और आगे फिर लगातार बढ़ते बढ़ते 18,000 तालाब एक सिरे से शुरू करके आखिर तक हम करेंगे। हमने एक योजना बनाई थी 1 साल पहले, शिवधाम योजना। उसमें अब ये शिवधाम योजना को एक्सप्लेन मैं करता हूं, कई बार तो लोग कहते हैं ये योजना क्या है, मैंने कहा ये भी बढ़िया योजना, याद रखना चाहिए कि जितने प्रदेश भर में शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, उन सबकी व्यवस्थाएं ठीक करना, उसकी सड़क है, वहां चारदीवारी है, वहां कोई शेड बनाना है, पानी की व्यवस्था करनी है। लोग जब सुंदर अच्छे शिव धाम को देखते हैं तो कई बार उनके मन में कुछ विचार अच्छे अच्छे विचार आने लग जाते हैं। वही एक ऐसा स्थान होता है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए, अपनी ड्यूटीज को याद करता है, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए सोचता है, उसको थोड़ा सा वहां डर लगने लगता है। तो वो जगह अच्छी सुंदर होनी चाहिए। स्कूलों का काम अब ले रहे हैं, इन स्कूलों में एक टास्क फोर्स जो मैंने बताया, दूसरी टास्क फोर्स जो स्कूल का फर्नीचर ड्यूअल बेंच ये करने की योजना हमने बनाई है, काफी लगभग 70% स्कूलों में बना है, 30% स्कूल ऐसे बचे हैं जिसके अंदर अभी ड्यूअल बेंच नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर ये ड्यूअल बेंच की पूरी व्यवस्था सब स्कूल, प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, सेकेंडरी स्कूल हो, सबके अंदर पूरी होगी। तो बजट की कोई कमी नहीं है। जहां तक हमारा कौशल विकास आईटी के नाते बढ़ाने की बात है, तो हमने अटल टिकरिंग लैब की तर्ज पर 50 स्टेम लैब की स्थापना करने का ये लक्ष्य लिया है। इन लैब में स्किलिंग, आईटी की स्किलिंग बहुत जरूरी है। अगर आईटी की स्किलिंग में पारंगत हमारा विद्यार्थी हो जाता है तो व्यवसाय की दृष्टि से वो बहुत आगे बढ़ता है। हमने विचार किया है कि उसके अंदर 3D प्रिंटिंग है, ड्रोन तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, ब्लॉकचेन मैनेजमेंट, इन चीजों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इसके माध्यम से हमारा विद्यार्थी ये आगे बढ़ जाए। तो ये सब विद्यार्थी इस स्किलिंग के पहले उनकी जो आईटी की ट्रेनिंग है, आईटी का जो शिक्षण है वो बहुत जरूरी है। तो आईटी के शिक्षण में जिस प्रकार के कोर्सेज आज जो हमें बताए जा रहे हैं, हमने तो कभी सुने नहीं, लेकिन आज के युग का सामान्य विद्यार्थी यानी जो आईटी पर पकड़ रखने वाला है वो उन सब चीजों को जानता है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ये विद्यार्थी सब सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो, गेमिंग, ये बहुत बड़ा विषय है, यानी जो गेम्स हैं, कंप्यूटर गेम्स, कई कंट्रीज तो इसी के ऊपर अपनी इकोनॉमी आधारित कर ली है। तो गेमिंग का विषय, गेम डेवलपर, बीपीओ, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिस्ट से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, वेब डिजाइनर, इतने सारे कौशल हैं, इन सब में इन बच्चों को हम दक्ष करेंगे। और ये सारी चीजें अगर हरियाणा में उठ खड़ी होती हैं तो दुनिया आज तैयार बैठी है कि आईटी ट्रेंड अगर युवक, स्किल्ड युवक उनको मिलते हैं तो वो कहीं भी देश और दुनिया में जाकर के काम करने के लिए उनकी मांग है, वो जा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए सब किया है। और इसके साथ ही भौतिकी और गणित यानी फिजिक्स और गणित के अंदर विद्यार्थियों का कंपटीशन अच्छा हो, इसके लिए छात्रों को यानी एक क्या करेंगे, ओलंपियाड, विषयवार ओलंपियाड ये शुरू किए जाएंगे।
ताकि ओलंपियाड में कंपटीशन हो और उस कंपटीशन में वो विद्यार्थी आगे बढ़े और ऐसे विद्यार्थियों को उस सारे सिस्टम में एक स्थान प्राप्त करने के बाद उनको नासा और इसरो जैसी ऐसी संस्थाओं में भी उनको भेजा जाएगा। उनकी बहुत बड़ी डिमांड है कि हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी जो उस ओलंपियाड में गणित और फिजिक्स के अंदर अच्छे अंक प्राप्त करके आते हैं उनको आप हमारे पास भेजिए, उनको विजिट करने के लिए भी भेजेंगे और वहां उनकी डिमांड के हिसाब से उनको वहां सहायता भी मिलेगी और उनको काम भी मिलेगा वहां। तो इस प्रकार जिला और राज्य स्तर के ऊपर ये जो विश्ववार ओलंपियाड होंगे इनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, पुरस्कार भी दिए जाएंगे। तो एक नया एक आयाम ये सब जोड़ रहे हैं। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है, लेकिन अभी हरियाणा सेना में डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान है वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा, ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है, इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय एक साल बाद, कुछ दो साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहां विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहां व्यवसाय के नाते प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। हरियाणा में हमने एक अलग से जो और किसी प्रदेश ने नहीं बनाया है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया है। फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एफसीडी केवल हरियाणा में बना है, दूसरे देशों के साथ सीधा संपर्क, हालांकि ये काम केंद्र सरकार के होते हैं लेकिन हमें केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है कि फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से आप दुनिया के देशों से सीधा संपर्क करके अपने यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैन पावर भेज सकते हैं, स्किलिंग के समझौते कर सकते हैं, आईटी ट्रेंड युवकों को आप विदेश भी भेज सकते हैं। ऐसी सब सहायता और केंद्र की ओर से प्रदेश की ओर से ऐसे युवकों को दी जाएगी। तो ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है इसको एक ग्लोबल परिदृश्य हम इसको बच्चों तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार दुनिया के अंदर वो जा सकते हैं। और एक कहावत जो नेल्सन मंडेला ने कभी कहा था, नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा को ऐसे हथियार के रूप में हम प्रयोग करें जिससे सारे संसार को बदलने की ये क्षमता हमारे अंदर आ सके। तो शिक्षा एक हथियार है, इस हथियार को हम छोटा ना समझे, हल्का ना समझे, मजबूती से इस हथियार को पैनी धार देने का काम हरियाणा सरकार करेगी। और हरियाणा का जो युवक है वो युवक जो दूध दही का खाना मजबूत बल जिसके अंदर था वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत